आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है, जिससे 2019 के चुनावी दंगल में खुद ब खुद कुछ सुपरहिट मुकाबलों की तस्वीर बनने लगी है, जिसे देखकर लग रहा है कि इस बार का लोकसभा चुनाव एक बार फिर बहुत ही दिलचस्प होगा। दरअसल कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले अमेठी में राहुल गांधी के सामने एक बार फिर बीजेपी की राज्यसभा सांसद और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी। इससे पहले साल 2014 में भी दोनों एक दूसरे को टक्कर दे चुके हैं। हालांकि तब जीत कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के हाथ ही लगी थी, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा था। राहुल को जहां 4,08,000 वोट मिले थे, वहीं स्मृति को 3,00,000 वोट मिले थे। बीजेपी और कांग्रेस की इस जबरदस्त टक्कर और दोनों के बीच वोटों के कम होते इस मुकाबले को देखते ही शायद एक बार फिर बीजेपी ने स्मृति पर ही दाव लगाना बेहतर समझा। यूं तो अमेठी सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीटों में शुमार है, लेकिन फिर भी 2019 का रण 2014 से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी भी 5 साल का अनुभव बटोर चुकी हैं। ऐसे में ये मुकाबला सुपर हिट से कम नहीं रहने वाला।